दोस्तों पिक्चर की बात होगी विच इज द टॉप इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिएटिंग अ फ्रीलांस प्रोफाइल वी हैव टॉक अबाउट डिस्क्रिप्शन वी हैव टॉक अबाउट व्हाट टू इंक्लूड इन डिस्क्रिप्शन व्हाट नॉट टू इंक्लूड इन डिस्क्रिप्शन हाउ एट लेथ यू कैन गो विद रिगार्ड्स टू एक्सप्लेनिंग योर डिस्क्रिप्शन अब हम बात करेंगे पोर्टफोलियो की पोर्टफोलियो वो प्रोडक्ट है जो दुकानदार की शॉप पे शेल्फ के ऊपर पड़ी हुई है अगर आप किसी शॉप पे जाते हो किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने अगर आपको शेल्फ में वो प्रोडक्ट नजर नहीं आती तो आप क्या करेंगे आप वापस निकलेंगे उस शॉप से और साथ वाली शॉप पे चले जाएंगे अगर उसके शेल्फ पे वो प्रोडक्ट पड़ी भी हुई जिसको आप खरीदना चाहते हैं तो इट इज़ नेचुरल बेस्ड ऑन द प्राइस बेस्ड ऑन द क्वालिटी दो ही चीजें होती ना प्रोडक्ट से रिलेटेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सर्विस से रिलेटेड भी ये बड़ा वक्त के साथ समराइज किया है इन दोनों चीज़ों को कि ड्रिल्स डाउन टू प्राइस एंड क्वालिटी और कोई तीसरी चीज़ नहीं है जनाब कस्टमर सर्विस एंड ऑल दैट स्टॉफ इज सेकेंडरी तो अगर आपको वो प्रोडक्ट शेल्फ पर नजर आ गई तो आप खरीद लेंगे सेम गोस्ट फॉर यूर पोर्टफोलियो अगर फ्रीलाइंस मार्केट प्लेस में आपका पोर्टफोलियो नहीं है एंड यू क्लेम टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर यू क्लेम टू बी अ वेब डिवेल्पर यू क्लेम टू बी अ कंटेंट राइटर देर इज नो वे एम्प्लॉयर इज गोइंग टू इवन कंसिडर यू फॉर अ सेकेंड बिकॉज आपका तो उस दुकानदार वाला हिसाब है जिसका शेल्फ खाली है और वो जो प्रोडक्ट इन डिमांड है वो है ही नहीं तो कैसे पता लगेगा क्या खरीदारी होगी और आ, क्या पैसे कमाएंगे सो सेम गोज फॉर पोर्टफोलियो अब पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझसे बिगनर फ्रीलांसर बच्चे ऑल ओवर पाकिस्तान पूछते हैं कि जनाब वी आर बिगनर हाउ कैन वी हैव अ पोर्टफोलियो एज अ बिगनर लो जनाब बात वैसे बड़े सोचने वाली है सोचो विचार वाली है फिक्र गौर वाली है कि आपने तो काम ही स्टार्ट नहीं किया आपके पास पोर्टफोलियो आसमान से उतरेगा नहीं उतरेगा ना ये तो आपको बनाना पड़ेगा इसके बारे में मैं आज आपको एक जादुई नुस्खा बताने लगा हूं लेकिन कुछ भी हरकत में बरकत के बगैर नहीं होने वाला मैं आपको क्या बताने हूं गौर से सुनिएगा बिकॉज अगर पोर्टफोलियो नहीं है तो आप अपनी एफर्ट्स और टाइम वेस्ट कर रहे हैं हजूर आप बिगनर बट आप हुनरमंद तो है ना स्किल तो आपको आती है अब तक आपको यह पता लग गया कि आपने क्या काम करना है आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया तो जब आपको स्किल का पता लग गया तो आपने उस पर लर्निंग uh, भी स्टार्ट कर दी यूट्यूब टिटोरियल रिमेंबर हाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कैसे अपने आप को अप स्किल करता था एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर बाय वॉचिंग द टिटोरियल्स एंड देन डूइंग द सेम वर्क विच द ट्यूटोरियल टॉट मी नॉट फॉलिंग बैक टू द ट्यूटोरियल बिफोर ट्वेंटी फोर आवर्स ये मेरी सजा होती थी कि एक दफ़ा सीख लो अटेंशन के साथ तोज्जो के साथ और उसके बाद जब काम करना स्टार्ट करो तो वापस ट्यूटोरियल नहीं देखना हम भी बड़े असूल वाले जो है वो जो लोग थे जो अपने आप को मैंटली ट्रेन करते रहे वक्त के साथ साथ उस वक्त समझ नहीं लगी कि क्या कर रहे हैं एक्सीडेंटली कर रहे थे आज एहसास हुआ जो किया अच्छा किया आप ये इस बात जेन में जरूर रखिएगा कि फ्रीलैंसिंग इज एन इन्वेस्टमेंट टूअर्ड्स अ गोल द वर्ड आई एम गिविंग यू हेयर एज फ्रीलैंसिंग इज एन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स अ गोल विच मीन्स कि आज आप जो काम फ्री में अपने लिए कर रहे हैं वो आपके कल काम आएगा मैं पोर्टफोलियो की ही बात कर रहा हूं अपने दोस्तों से बात कीजिए इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे बात कीजिए और उनको फ्री में फ़िलहाल सर्विसेज दीजिए जब आप वो फ्री में काम करना शुरू कर देंगे तो आपका पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा एक एग्जांपल लेते हैं आप कंटेंट राइटर हैं बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात कर ली अब थोड़ा सा जरा हम डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं बिकॉज कॉन्टेंट राइटिंग रेजोनेट्स विद एवरी वन दोज डू नॉट वॉन्ट टू लर्न अ स्किल दोज वू डू नॉट वॉन्ट टू यू नो लर्न दी आर्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज एंड स्टिल दे वॉन्ट टू डू फ्री लेंसिंग तो सबसे पहला स्टेप कॉन्टेंट राइटिंग ही होता है ये मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया कॉन्टेंट राइटिंग ही होता है भाई ना आपको कोई सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है ना आपको कोई एक्सपर्टीज uh, हासिल करने की ज़रूरत है आपने मिनिमम एव एफ एस सी भी की हुई है तो आपको इतना तो पता लग गया कि इंग्लिश कैसे लिखते हैं उसको पॉलिश करने की देर है हाँ वो कोर्सेस लीजिए और अपनी स्किल्स को एनहैंस कीजिए क्रिएटिव राइटिंग की बट मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग इज सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स नॉट ओनली फॉर द मनी अर्निंग सेक बट ऑल्सो फॉर योर करेक्टेड डेवलपमेंट. जितने अल्फाज का चुनाव अच्छा होगा उतना ही गौर से अगला आपको सुनेगा और पढ़ेगा क्यों मेरी वीडियो देख रहे हो नहीं परेशान ना हो ना मैं वैसे सवाल पूछा था इसलिए देख रहे हो ना कि मैं सही बोल रहा हूँ अल्फाज का चुनाव अच्छा है सो दिस इज वॉट क्रिएटिव राइटिंग टीच इज यू देर so फोर जब आप एज ए क्रिएटिव राइटर अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करेंगे अपने उस को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैं स्कूल के बारे में लिखना चाहता हूं कॉलेज के बारे में लिखना चाहता हूं यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना चाहता हूं मैं एक रुपया नहीं चार्ज करूंगा पांच सौ करेक्टर मैं फ्री में लिखूंगा यू हैव इन्वेस्टेड टूवर्ड्स अ गोल विच मीन्स दैट यू हैव क्रिएटेड अ पोर्टफोलियो फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री सेम फॉर ग हॉस्पिटल एक डॉक्टर साहब के पास जाइए हजूर मुझे एक हफ्ता दीजिए मैं आपके बारे में पूरी प्रोफाइलिंग बनाना चाहता हूं आपके बारे में टैक्स लिखना चाहता हूं आपकी स्किल्स आपकी महारत आपकी स्पेशलिटी के बारे में जब आप उस डॉक्टर की स्पेशलिटी के बारे में लिखेंगे जब आप उस डॉक्टर के एक्सपीरियंस के बारे में लिखेंगे आप ऑटोमेटिकली एक पोर्टफोलियो और क्रिएट कर गए दिस टाइम फॉर हेल्थ इंडस्ट्री सो नीडलेस टू से कीप डूइंग इट फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम

टू योर पोटेंशल यू नो फ्यूचर क्लाइंट्स एज वेल यानी क्या मुमकिन है ना कि अगर आपने अपने उस्ताद के लिए लिखा और वही उस्ताद आपकी लिखने से इतना मुतासर हो गए कि वो आपको अगली इसाइनमेंट पेड दे दें कि आपने मेरे लिए काम किया था बेटा आप मैं आपके काम से बड़ा खुश हुआ हूँ ये मेरे लिए एक और कॉन्टेंट लिख लीजिए हाँ इस दफ़ा प्लीज़ पैसे दे के जो आपने अपनी फ्री इन्वेस्टमेंट और जस्चर दिखाया अपने पोटेंशल फ्यूचर क्लाइंट को जो कि उस है वो आपका पोर्टफोलियो भी बन गया और एट द सेम टाइम आपके लिए बिजनेस अर्निंग अपॉर्चुनिटी या मनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी बन गई तो ये जो इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स गोल है इसके दो शाखें आगे निकलती हैं ए ये पोर्टफोलियो बनाता है और बी इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी फ्रॉम द सेम पोटेंशियल क्लाइंट इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं दोस्तों जिनको मैंने शुरू में मशवरा दिया कि पोर्टफोलियो अगर आप काम ढूंढने के चक्रों में रहे तो एन मुमकिन है आप बिगनर हैं आपको काम ना मिले तो जो सीजन फ्रीलांसर है जो पिछले सालों से काम कर रहा है जाहिर है एम्प्लॉयर उन्हीं का प्रोफाइल उन्हीं की प्रीवियस फीडबैक उन्हीं की अर्निंग से मुतासर होकर काम दे देगा अनलेस यू आर गुड एट यूर स्टफ लेकिन इसका अदर वे अराउंड भी तो है ना आप पोर्टफोलियो बना लीजिए इन्वेस्ट towards your future investment towards a goal is the word i am giving you here for creating your portfolio same goes for the freelancers from different walks of life and from different niches you're a graphic designer ho logo ke free ke logo bana dijiye logo ke liye free ke liye brochures a free creative design bana dijiye aur aap isko apni skill set pe uh, mold karte jaiye chahe aap app developer hain chahe web developer hain ye pile jama ho jayega na pile itna impressive because a यू हैव अ पोर्टफोलियो एंड बी यू हैव डिफरेंट डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ यू हैव worked विद जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग के में हेल्थ में काम कर लिया एजुकेशन में काम कर लिया सो so देन जब आप इसको पॉपुलेट करोगे अपनी फ्रीलांस मार्केट प्लेस प्रोफाइल पे, तो इम्पोर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो तो आपको समझ लगी ही गई एट द सेम टाइम जब आप बिड करने जाओगे जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट बनी हुई होगी काम की जो आप शो कर सकते हो अपने पोटेंशियल क्लाइंट को